हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज राजीव शर्मा, योर साइंस टीचर एट गवर्नमेंट स्मार्ट मिडिल स्कूल मेहंदीपुर शहीद भगत सिंह नगर। वार्म वेलकम्स यू इन द सेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश यूजिंग idioms एंड phrases। सो इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू डू दीज फाइव phrases। ये पांच phrases हैं आज हम करेंगे। सबसे पहला फ्रेज है हमारे पास मच क्राई लिटिल वूल, चीखना चिल्लाना ज्यादा और करना कुछ नहीं। भेड़ है उसकी जब ऊन उतारी जाती है बहुत चिल्लाती है, लेकिन ऊन कितनी मिलती है? थोड़ी सी। ऐसा ही हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता है। ड्यूरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन्स द प्रोमिसेस आर लॉट, बट आफ्टर विनिंग दे डू नथिंग। सो इट्स जस्ट लाइक क्राइंग मच एंड गिविंग अ लिटिल। सेकंड है राइट ऑन द मनी, मुद्दे की बात करना, वैसे इधर उधर बात करके टाइम ना खराब किया जाए, मुद्दे पर आया जाए, उसको कहते हैं राइट ऑन द मनी। लाइक जैसे हम एनटीएससी और एनएमएमएस की तैयारी करवा रहे हैं, इधर उधर की बात करे जाएंगे, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। मुद्दे पर गवाते हैं जब हम आपको क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करते हैं, तैयारी करानी शुरू करते हैं, तो उसे कहते हैं राइट ऑन द मनी। सो वी शुड नॉट वेस्ट आर टाइम ड्यूरिंग आर प्रेपरेशन डेज इन कॉसेप्स, वी शुड बी राइट ऑन द मनी। ठीक है, मुद्दे की बात करनी चाहिए। बैड एक मतलब बुरा इंसान कैसे कहोगे आप? He is not at all a reliable person, not a dependable person. We can say he is a bad egg in our colony, right? Red-handed मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना। इसमें रंगे हाथों जैसे अब एग्जाम्स चल रहे हैं, अनफेयर मीन्स पर्ची है वो पकड़ होगी, तो उसे हम कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा जाना। सो हम कह सकते हैं कि राजवीर वॉज कॉट रेड हैंडेड डूइंग कॉपी यूजिंग स्लिप। सो इसको हम असल में यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है ऑलवेज ऑन द टॉप, हमेशा ही कामयाब होना। NMMS के एग्जाम्स होते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है जो हमेशा फर्स्ट आता है, उसके बच्चे जो से हैं हमेशा बाजी मारते हैं, तो वी कैन से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंगल खुर्द इज द स्कूल विच ऑलवेज डू गुड। सो इट्स लाइक ऑलवेज ऑन द टॉप, हमेशा कामयाब होता है, राइट? सो विद दीज फाइव फ्रेजेस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। फिर मिलेंगे कल फाइव और फ्रेजेस के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।